दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, यकीन मानिए वो देश बहुत ही खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये दुनिया के टॉप 5 सबसे छोटे देशों में शुमार है। जी हाँ, ये बहुत ही छोटा है और उससे भी ज्यादा ये गरीब देश है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, यानी कि ये एक द्वीप देश है। यहाँ कोई खास परिवहन के साधन नहीं है, कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जनसंख्या के मामले में तो ये देश बहुत ज्यादा ही छोटा है। दोस्तों ये बात सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे, इस देश में अगर कोई व्यक्ति मरता है यानी उसकी मौत होती है तो उसे अपने ही घर में गाड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप इस खास देश के बारे में आज जान जाएंगे। आई नो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम आपको लेकर कहां जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पॉलिनेशियन राज्य प्रशांत महासागर के एक बेहद ही छोटे देश की सैर पर, जिसका नाम है तुवालु। तुवालु एक द्वीप देश है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों प्रशांत क्षेत्र का ये द्वीपीय देश दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बनना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि आज नहीं तो कल हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे द्वीप पर समुद्र का पानी आ रहा है और आने वाले समय में जरूर ऐसा होगा कि ये द्वीप पानी में समा जाएगा। इसलिए यहाँ का शासन प्रशासन लगातार इस देश को डिजिटल राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो खुद डिजिटल राष्ट्र बनना चाहता है। दोस्तों तुवालु प्रशांत महासागर में मौजूद एक द्वीप देश है। दोस्तों प्रशांत क्षेत्र का ये द्वीप देश लगातार खुद को डिजिटल राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने खुद को डिजिटल राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश को लगता है कि आने वाले समय में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम पानी के अंदर समा जाएंगे, जो कि हो भी रहा है। 2021 से लगातार इस देश की जो सीमाएं हैं वो कम हो रही हैं और समुद्र का पानी द्वीप पर आता जा रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये पूरा द्वीप पानी के अंदर समा जाएगा। दोस्तों तुवालु ने 1978 को यूनाइटेड किंगडम से आजादी प्राप्त की थी। तुवालु एक छोटा सा द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 26 वर्ग किलोमीटर है। भारत का एक गांव भी इस देश से बड़ा होगा। खैर दोस्तों तुवालु की राष्ट्रीय भाषा तुवालुअन और अंग्रेजी है। अगर आप यहां जाते हैं और आपको इंग्लिश बोलना आता है तो यहां पर आप इजीली सरवाइव कर लेंगे। तुवालु में कई जाति के लोग रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समूह का नाम पॉलिनेशियन और माइक्रोनेशियन है। तुवालु का सबसे बड़ा ऊंचा पॉइंट न्यूअलाकिया है, जिसका साइज 4.6 मीटर है। दोस्तों ये देश 9 द्वीपों से मिलकर बना है और प्रत्येक पर एक स्कूल है, एक हाई स्कूल है और एक यूनिवर्सिटी है। तुवालु में कारों के लिए कुछ खास सड़कें नहीं है, क्योंकि ये देश इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको कई कई दिन लगाकर एक्सप्लोर करें। कुल मिलाकर यहाँ पर 8 किलोमीटर से अधिक ये पूरा देश नहीं है। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, तुवालु में एक एयरपोर्ट है। यहाँ हवाई यातायात को शायद ही नियमित कहा जा सकता है। इसके अलावा एकमात्र देश जहाँ पर आप तुवालु से उड़ सकते हैं। दोस्तों तुवालु की सबसे बड़ी समस्या है पानी। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ के लोग मोटे बहुत हैं। ऐसा क्यों? I don't know। कचरे के भंडारण के लिए खाली जगह की कमी है, इसलिए लोग सीधे कचरे को समुद्र में डाल देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के महासागरों का स्तर बढ़ने से इस देश का जल्द ही विनाश हो जाएगा और जल्द ही ये देश दुनिया के नक्शे से खो जाएगा। जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और बहुत ज्यादा टेंस भी। इसलिए अब लोग दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। कहीं ना कहीं डर उनको इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस द्वीप के साथ साथ वो भी खत्म हो जाए। खैर इस समय यहाँ पर लगभग 11,000 लोग हैं और यहाँ के लोगों का जो मेन बिजनेस है वो मछली पकड़ना है। मछली पकड़ के ही ये लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, ना ही इतना समय है लोगों के पास और ना ही उनको कुछ खास इंटरेस्ट है। तुवालु की लगभग 95% आबादी ईसाई धर्म की है। विभिन्न शाखाओं का यहाँ पालन होता है। तुवालु में शिक्षा मुफ्त है,
इसके अलावा ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है कि आप स्कूल जाएं। वैसे दोस्तों ये जानकर आपको दुख भी होगा, क्योंकि हमें भी हो रहा है, कि द्वीप का अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो चुका है। लोग द्वीप छोड़कर जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 4000 लोग न्यूजीलैंड जाकर बस चुके हैं और 11000 लोगों को भी सरकार कहीं और बसाने की प्लानिंग कर रही है। 1993 से समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, हर साल लगभग 0.5 सेंटीमीटर, और 11000 लोगों की आबादी वाले द्वीप की जमीन साल दर साल छोटी होती जा रही है, जो कि वास्तव में एक चिंता का विषय है। दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे उसी के घर में दफना देना चाहिए। इससे उसकी आत्मा अपने ही घर में रहती है और अपने लोगों के लिए अच्छा सोचती है, और यही सोचकर जो भी लोग यहाँ मरते हैं उन्हें उन्हीं के घरों के आंगन में दफना दिया जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये देश इतना छोटा है, क्या वाकई यहाँ कोई घूमने भी आता है? लेकिन आप गलत हैं। वैसे दोस्तों ये देश 100 द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर मुख्य द्वीप फुनाफुती है, जहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है, और यहाँ से लोग इस द्वीप देश में एंट्री करते हैं। यहाँ करीब हर साल 2000 लोग घूमने आते हैं और इस देश की खूबसूरती को निहारते हैं। दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे, ये देश विश्व के नक्शे से गायब हो जाए उससे पहले आप एक्सप्लोर कर लीजिए। इस देश को घूमने ज्यादा लोग नहीं जाते, इसलिए ये देश बहुत ही साफ सुथरा है। इसके समुद्र तट बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक खूबसूरती का एहसास तो होगा ही, साथ ही आपको इस देश से प्यार भी हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको खूबसूरत पेड़ पौधों की कई प्रजातियाँ भी देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अगर आप कछुए पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कछुए मिलने वाले हैं। मछलियों के साथ आप तैराकी कर सकते हैं, एक बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव वन के साथ, अपने डियर वन के साथ और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। ये जगह आपके लिए, आपकी बेहतरीन छुट्टियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कुल मिला के दोस्तों ये जगह सुंदरता के साथ साथ बहुत ही शांत है। अगर आप एक शांत प्रिय जीवन जीना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो यहाँ जरूर आइएगा। प्राकृतिक सुंदरता तो आपको मिलेगी मिलेगी, शांति भी खूब मिलेगी। तुवालु में पर्यटकों के लिए दो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स भी हैं। एक है फुनाफुटी, दूसरा है एटोल और तीसरा है नानुमिया। नानुमिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहां पर सी फूड बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो जरूर टेस्ट कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों तुवालु का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस छोटे से देश की सैर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि ये देश कभी भी नक्शे से खत्म ना हो, इसका अस्तित्व यूं ही बना रहे। मिलते हैं आपसे कुछ और जानकारियों के साथ कुछ और खास देशों की सैर पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।